गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग कमांड लिखने सीख रहे हैं, कमांड करने सीख रहे हैं, और रियल में किस तरह से कंप्यूटर में प्रैक्टिकल होता है उसको भी देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो कमांड सीखे हैं, क्रिएट टेबल, नया टेबल क्रिएट करने के लिए, इंसर्ट कमांड, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, रो को इंसर्ट करने के लिए, उसके बाद रीनेम कमांड जिससे टेबल को नेम को चेंज किए थे, उसके बाद ट्रंकेट कमांड जो टेबल का स्ट्रक्चर रहने देता है, फील्ड रहने देता है, सिर्फ रिकॉर्ड को हटा देता है सारा, और उसके बाद ड्रॉप टेबल कमांड जो क्या करता है, रिकॉर्ड के साथ स्ट्रक्चर भी हटा देता है, मतलब मीन्स पूरा टेबल को हटा देता है। तो आज का जो कमांड है अल्टर टेबल कमांड, मीन्स बना हुआ टेबल में अगर बदलाव करना, उसका स्ट्रक्चर में बदलाव करना है तो कैसे बदलेंगे, तो किससे बदलेंगे, अल्टर टेबल कमांड से। तो ये क्या बोल रहा है, इट यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, जो बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे रोल नंबर लिए और एक नेम और एक ले रहे हैं कोर्स, रोल नंबर, नेम, कोर्स। अब हम जिसमें बनाए उसमें डेटा टाइप हम INT लिए और इसका साइज हम कितना लिए थे, 5। इसका जो साइज लिए कितना लिए, 5, और इसका जो डेटा टाइप लिए क्या, INT। तो गौर कीजिए, जिसमें हम साइज लिए कितना लिए, 5, साइज कितना लिए, 5। तो क्या जितना भी बड़ा बड़ा नाम रहेगा सब आ जाएगा क्या, तो साइज अगर हम 5 लिए तो कितना अक्षर के लिए लिए, 5 अक्षर के लिए। राहुल लिए, अगर राहुल को अगर लिखना चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन अगर राहुल कुमार लिखना चाहेंगे तो लेगा क्या, क्योंकि साइज हम कम लिए। तो अगर मान लेते हैं जिसमें टेबल बनाए हैं उसमें साइज कम लिए हैं, बाद में साइज बढ़ाना चाहते हैं, बाद में मॉडिफाई करना चाहते हैं, किसको, कॉलम को, तो किससे कर सकते हैं, अल्टर टेबल से। तो अल्टर टेबल कमांड का यूज करके जो बना हुआ टेबल है उसका कॉलम में बदलाव कर सकते हैं। तो उसका जो डेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइज को चेंज कर रहे हैं। इसमें हम जिसमें टेबल बनाए और मिस्टेक से जो डेटा टाइप है करेक्टर नहीं लेकर के, कोर्स क्या होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस 11th, तो कोर्स क्या है, करेक्टर डेटा, और हम डेटा टाइप मिस्टेक से हम क्या ले लिए, INT। और जब हम डेटा टाइप ले, मतलब जब हम डेटा देना चाह रहे हैं करेक्टर में, तो ये इंसर्ट नहीं हो रहा है, इसका मींस इसका डेटा टाइप को चेंज करना है। तो बना हुआ टेबल में अगर कॉलम में बदलाव करना है तो मॉडिफाई द कॉलम, क्लियर है। तो अल्टर टेबल का कमांड का यूज करके बना हुआ कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। एड न्यू कॉलम, अगर इस टेबल में एड्रेस कॉलम हम ऐड करना चाह रहे हैं, एज कॉलम हम ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब जिसमें बनाए उसमें मात्र 3 ही कॉलम रखे थे, अब हम अगर नेक्स्ट कॉलम बढ़ाना चाह रहे हैं एड्रेस का और फिर एज का, तो नया कॉलम अगर ऐड करना है तो ऐड न्यू कॉलम किससे, अल्टर टेबल से। अब मान लेते हैं बना लिए और बाद में हमको एड्रेस का कोई ज़रूरत नहीं है, एड्रेस कॉलम को हटाना है, क्लियर है। तो अगर एड्रेस कॉलम को हटाना है, बना हुआ टेबल में कॉलम को हटाना है, तो कौन सा, डिलीट एग्जिस्टिंग कॉलम, डिलीट एग्जिस्टिंग कॉलम। तो आइए देखते हैं, अल्टर टेबल कमांड, इट यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, मॉडिफाई द कॉलम, कॉलम बना हुआ कॉलम को, या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, उसका साइज बदल सकते हैं, डेटा टाइप बदल सकते हैं, क्लियर है। एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, पुराना कॉलम को हटा सकते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड करते हैं, एक कमांड कर रहे हैं क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या रख रहे हैं स्टूडेंट, तो डेटा, सॉरी, कॉलम नेम क्या, रोल नंबर, नेम और कोर्स। इसका डेटा टाइप INT लिए, इसका क्या लिए, कैर, लेकिन बनाने से मिस्टेक से हम कितना ले लिए, 5। साइज क्या ले लिए, कम ले लिए, साइज क्या लिए, कम, और इसका डेटा टाइप क्या ले लिए, INT। ये हम बना चुके हैं जो दिखाएं, अब इसमें हम बदलाव कर रहे हैं। पहला, मॉडिफाई द कॉलम, इसके लिए जो सिंटैक्स है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, कॉलम नेम,
तो क्या क्या बदल सकते हैं इसका डेटा टाइप और साइज, मतलब न्यू डेटा टाइप और न्यू साइज। टू चेंज द साइज ऑफ कॉलम नेम, टू चेंज द साइज ऑफ कॉलम नेम 5 to 25। मतलब पहले से जो कॉलम जो बना हुआ है नेम, उसका साइज हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पहले 5 था, अब कितना करना चाह रहे हैं, 25। तो कमांड लगाइए, तो कमांड क्या लगाएंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, किस टेबल में बदलाव कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल में। क्या करने वाले हैं, मॉडिफाई कॉलम, किस कॉलम में बदलाव करने वाले हैं, नेम। और डेटा टाइप तो मेरा सही है, इसका डेटा टाइप क्या है, सही है, इसका डेटा टाइप क्या है, सही है। बस हम बदलने वाले किस में, साइज में। तो यहाँ नया साइज बदल देंगे, तो जहाँ पे हम 5 लिए थे वहाँ कितना कर देंगे, 25। तो इतना करने से क्या हो जाएगा, इसका साइज, अल्टर टेबल कौन सा टेबल बदल रहे हैं, स्टूडेंट टेबल में, और मॉडिफाई कौन सा कॉलम में कर रहे हैं, नेम कॉलम में, और साइज कितना कर दिए, 25, 25 कर दिए। तो जो था 5 अब कितना हो जाएगा, 25। इस तरह से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब 25 मीन्स 25 अक्षर तक का नाम हम लिख सकते हैं, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ कोर्स कॉलम टू कैरेक्टर। तो ये जो कोर्स कॉलम है बनाने से हम क्या लिए हैं, INT लिए, इसका डेटा टाइप हम चेंज कर रहे हैं किस में, करेक्टर में। तो कमांड क्या है, फॉर्मेट यही है ना, सॉरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अल्टर टेबल, टेबल नेम किस में, स्टूडेंट में। क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करने जा रहे हैं किस कॉलम में, कोर्स कॉलम में। और डेटा टाइप हम क्या ले रहे हैं, INT था, और डेटा टाइप हम क्या ले रहे हैं, कैर, और साइज अपने से कुछ भी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो डेटा टाइप था INT अब ये बदल जाएगा, अब ये डेटा टाइप बदल जाएगा, और कोर्स का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, कैर। अब ये कैर डेटा रखना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग अल्टर टेबल में मॉडिफाई करने सीखे, कॉलम में उसका साइज बदलने से क्या, और उसका डेटा टाइप। अब हम लोग नया कॉलम को ऐड करने जा रहे हैं, ऐड न्यू कॉलम। तो इसका जो सेंटेक्स है, क्या सेंटेक्स है, अल्टर टेबल, टेबल नेम एड न्यू कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। क्वेश्चन, टू एड एड्रेस कॉलम ऑफ टाइप भर कर टू एंड साइज 40 इन स्टूडेंट टेबल। एक और क्वेश्चन, टू एड एज कॉलम इन स्टूडेंट टेबल ऑफ टाइप इंटीजर। तो एक एड्रेस कॉलम हमको ऐड करना है जिसका टाइप क्या है, भर कर टू, और साइज कितना है, 40, किस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में। और फिर एक एज कॉलम ऐड करना है जिसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो चलिए देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, पहले अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। क्या करने वाले हैं, ऐड, नया कॉलम का नाम क्या है, एड्रेस, और इसका डेटा टाइप क्या है, भर कर टू, और साइज क्या है, 40। बस इतना ही करने के साथ यहाँ पे एक कॉलम क्या हो जाएगा, एड्रेस कॉलम
एड हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, अल्टर, क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है स्टूडेंट, अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं एड, और नया कॉलम का नाम क्या है एज, और इसका डेटा टाइप क्या INT, और हम लोग जानते हैं जब भी नंबर में डेटा होता है उसमें साइज हम लोग नहीं लेते, बस इसका आंसर हो गया। तो सिंपल सिंपल सा है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई लिखना है तो मॉडिफाई हो जाएगा, एड लिखेंगे तो एड हो जाएगा, इतना करने के साथ क्या हो जाएगा एज कॉलम इसमें एड हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब कोर्स कॉलम को हटा रहे हैं, कोर्स को, और किसको हटा रहे हैं एज को, हटाना है तो हटाना है तो यहाँ बस क्या करना है, डिलीट एग्जिस्टिंग कॉलम, मतलब पहले से जो कॉलम है उसको डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ लिखना है ड्रॉप, क्या लिखना है ड्रॉप, और यहाँ पे लिखना है ओनली कॉलम नेम, यहाँ सिर्फ लिखना है कॉलम का नाम। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन, टू डिलीट कोर्स कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल से कोर्स कॉलम को हटा रहे हैं, टू डिलीट एज कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल से क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं, तो कमांड क्या है इसका, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है स्टूडेंट, क्या लिखना है ड्रॉप, और सिर्फ कॉलम का नाम हटाना है, जिसका किसको हटाना है कोर्स कॉलम को, बस यहाँ लिख देंगे कोर्स कॉलम, तो जैसे ये लिखेंगे इंटर करेंगे ये हट जाएगा, और ये हट जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा टेबल, यहाँ एड्रेस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा एज, क्लियर है। अब फिर से कमांड लगा रहे, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या स्टूडेंट ड्रॉप, और किस कॉलम को हटाना एज, बस सिर्फ क्या लिखना है कॉलम का नाम, इतना करने के साथ क्या होगा एज कॉलम हट जाएगा और ये तीनों रहेगा बस। तो आज के क्लास में हम लोग अल्टर टेबल कमांड सीखे, बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल समझना है कि बना हुआ टेबल का स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं, कॉलम बदलाव कर रहे हैं, नया कॉलम को ऐड कर रहे हैं, पुराना कॉलम को हटा रहे हैं, और अगर एक बार नहीं समझ आए तो रिपीट करके दो तीन बार देखिए, वैसे तो एक बार में समझ आ ही जाना चाहिए। थैंक्स।